तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू बाइकर के इंस्टेंस व्लॉग। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो कितने दिन कहाँ थे आप। इस वाले यूट्यूब चैनल पे मैं काफ़ी ज़्यादा बाइक से रिलेटेड न्यूज़ एंड कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ आप लोग के लिए। तो इस वाले वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ कन्फ्यूजन वगैरह आप यहाँ पर क्लियर करके ज़रूर जाएंगे। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट पे इंटरेस्ट है, आपको बाइक्स में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हर वक्त का अपडेट न्यूज़ रह पाए। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और गाइस, अभी मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों से मैं R15 वर्जन 4 या फिर R15 M कह लीजिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आप लोग को बहुत दिन से देता आ रहा हूँ। तो वहाँ पर एक भाई ने कॉमेंट किया था, क्या इस मोटरसाइकिल जो नए R15 आने वाला है उस पर कम्फोर्ट में थोड़ा इंक्रीज हुआ है या फिर क्या हुआ है। बस बेसिकली वो जानना चाह रहे थे कि ये बाइक क्या अपग्रेड हो रहा है कम्फोर्ट में, क्या पिछले वाले R15 वर्जन 3 से इस बाइक पे जो आपका जो सीटिंग पोस्चर वगैरह है, सीट हाइट है, पीछे का सीट हाइट है, जो सीट का क्वालिटी है, क्या वो सॉफ्टर हो रहा है, क्या वो बेटर हो रहा है, बेटर फॉर टूरिंग हो रहा है। तो वहाँ पर एक और मेरे सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर कह लीजिए, उन्होंने भी यहाँ पे कमेंट किया था, उन्हें रिप्लाई दिया था कि भाई अगर तुम्हें कंफर्टेबल के पीछे भाग रहे हो, कंफर्ट के पीछे भाग रहे हो, तो एक स्प्लेंडर खरीद लो, एक ग्लैमर खरीद लो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे, और ऐसा पहले भी होता आ रहा था और अभी भी होता है। भाई स्पोर्ट्स बाइक में कोई भी सेगमेंट में घुस जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी बोलते हैं भाई कंफर्ट कैसा होगा, तो उसको भाई बहुत बुरा भला बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, ये भी डिस्कस करूँगा, क्या इसमें कोई कंफर्ट में अपग्रेड हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर आप, मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, कोई ट्रैक्टर हो जाए, ट्रैक्टर का काम होता है उनका ज़मीन को तैयार करना, अगर कोई ट्रैक्टर कंपनी बोलता है कि आप इससे ज़मीन भी तैयार कर सकते हैं, आपका फार्मिंग का काम भी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे जो अगर कोई भी ट्रैक्टर, सबको मालूम है कोई भी ट्रैक्टर में कंफर्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता, फिर भी वो सही काम करता है तो इसलिए लोग उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मोटरसाइकिल पे आते हैं तो ये स्पोर्ट्स बाइक अगर आपको परफॉर्मेंस एंड लुक्स देता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे कोई ट्रैक्टर या फिर कोई मोटरसाइकिल आपको परफॉर्मेंस एंड लुक्स के साथ साथ अगर कंफर्ट भी ऑफर करता है तो इसमें क्या बुरा बात है, यहाँ पे कोई भी बुरा बात नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो ऐसा कंट्रोवर्सी या फिर ऐसा आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, अनऑफिशियल जो भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो मोटरसाइकिल है, जो R15 नया वर्जन है, जो M वर्जन है, वहाँ पर जो कम्फर्ट का आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा R15 वर्जन 3 से बेटर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, R15 जो वर्जन 2 आया था उसका पीछे का सीट बहुत ही मतलब आसमान छूता था वहाँ पे, मतलब कुछ अजीब ही था वहाँ पे, कुछ अलग ही एरा चल रहा था वहाँ पे। तो जो नया अपग्रेडेड आ रहे हैं वो धीरे धीरे कंफर्ट एंड पावर और परफॉर्मेंस का एक बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन तैयार हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो राइडर्स हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो यहाँ का टेस्ट है, जो यहाँ के राइडिंग स्टाइल्स है, वो चेंज हो रहा है। अब ज़्यादातर मोटरसाइकिल के साथ अब लॉन्ग राइड्स होते हैं, तो यहाँ पे कंफर्ट भी बहुत ही ज़्यादा एक रोल निभाता है कोई भी मोटरसाइकिल पे। जितने इंडिया उतने ही बाहर के देशों में लॉन्ग राइड्स वगैरह और टूरिंग एडवेंचर राइड ये सब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंपनी अपना मोटरसाइकिल पीछे रह जाए, या फिर जो परफॉर्मेंस सिर्फ लुक्स ही दे दिए लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफर्ट नहीं दिया। रिसेंटली जो KTM RC है वहाँ पे आपको बेटर कुशनिंग और बहुत कुछ चीज़ें आप अपग्रेडेड देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो KTM है वो भी खुद को यहाँ पे कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस के साथ बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और R15 में भी यहाँ पे जो पीछे का यहाँ पे पिलियन सीट देखने को मिल रहा है, जो विजुअल है, जो फोटोज़ वगैरह है, उससे मैं बोलूँगा कोई भी यहाँ पे शोरूम पे मोटरसाइकिल्स आने में अपने आँखों से नहीं देगा, लेकिन फ़ोटो देख के जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, पीछे का जो सीट है, सीट हाइट थोड़ा सा नीचे आया है, और उसी के साथ जो पीछे का सीट है वो थोड़ा वाइड देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ सामने का जो हैंडल बार है थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है,
और यहाँ पे कंफर्ट के, यहाँ पे जो कंफर्ट लेवल है आपको थोड़ा सा R15 वर्जन 3 पे जो कम है, जो यहाँ पे जो एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेटर राइडिंग पोस्चर, बेटर कुशनिंग, बेटर सीटिंग पोस्चर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है नए जो R15M लॉन्च होने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ मोड्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो आपको राइडिंग स्टाइल है वहाँ पे आपको 3 या फिर 4 मोड भी देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिलेगा, नॉर्मल जो स्ट्रीट जो आपको यहाँ पे कम्यूटिंग के लिए होता है, ट्रैफिक मोड भी देखने को मिल सकता है, और एक आपको इकोनॉमी मोड और बहुत सारे रेन मोड भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है कितने और कौन कौन से मोड्स आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रूर आपको मोड्स और यहाँ पे आपका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये सब जो किया जा रहा है आपको बेटर कंफर्ट के लिए, ताकि आपका मोबाइल जो है उसका जो नेविगेशन वगैरह है, स्टेटस अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन बोर्ड ही आपके बाइक में बैठे बैठे मिल जाए, आपको राइडिंग के वक्त मोबाइल नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये सब कंफर्ट के लिए अपग्रेड किया गया है ये जो फीचर्स है। तो कहीं ना कहीं अभी जो नए बाइक्स आएंगे वहाँ पे जो कंफर्ट है, वहाँ पे जो लुक है, वहाँ पे जो माइलेज है, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, सब के सब एक हाइब्रिड एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे R15 वर्जन M या फिर वर्जन 4 या फिर R15 2021 पे जो मॉडल आ रहा है वहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, लुक्स गुड, लेकिन जो सिल्वर कलर है उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा बुरा लग रहा है वो है परफॉर्मेंस, वहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस का कट आउट हुआ है, कितना हुआ है क्या हुआ है उसको मैंने पिछले वाले वीडियोस पे ही अपडेट किया था आप लोगों को, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ बिल्कुल भी डिटेल्स मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो लुक्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही स्लाइटली, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। और जो यहाँ पे कम्फर्ट है वो थोड़ा इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस, लुक्स एंड जो कम्फर्ट है तीनों के तीनों अपग्रेड होता था, तीनों के तीनों इंक्रीज होता था, तो सब लोग यहाँ पे हैप्पी हो सकते थे। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी आपने मेरे वीडियो या फिर मेरे कहने को समझा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए राइट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।